नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पाकिस्तान डर गया है, कहा मनोहर पर्रिकर ने। म्यांमार अभियान को बदली सोच का परिचायक करार देते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान पर चुटकी ली और कहा कि जो लोग भारत के नए रुख से भयभीत हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करनी शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए पर्रिकर ने कहा कि सोच के तरीके में बदलाव आता है तब कई चीजें बदल जाती हैं। आपने पिछले 2-3 दिनों में ऐसा देखा है। उग्रवादियों के खिलाफ एक सामान्य कार्रवाई ने देश में संपूर्ण सुरक्षा परिदृश्य के बारे में सोच को बदल दिया है। हालांकि पर्रिकर ने अभियान का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र में कराई जाएगी कृत्रिम बारिश। राज्य के सूखे इलाकों में कृत्रिम बारिश के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार क्लाउड सीडिंग की तकनीक के इस्तेमाल पर विचार कर रही है। इस तकनीक के तहत शर्करा से प्रणोदित एक रॉकेट को बादलों में दागा जाता है ताकि बारिश कराई जा सके। राज्य के राहत एवं पुनर्वास मंत्री एकनाथ खड़से ने कहा कि क्लाउड सीडिंग के क्षेत्र के विशेषज्ञों ने उनसे संपर्क किया है। उन लोगों का दावा है कि शर्करा से प्रणोदित रॉकेटों की मदद से बारिश कराई जा सकती है। खड़से ने बताया कि हमने विशेषज्ञों से कहा है कि वे हमें जलगांव में या विदर्भ या मराठवाड़ा के किसी गांव में ऐसा करके दिखाएं। ये सूखे इलाके हैं, यदि परीक्षण सफल रहता है तो सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है। धोनी भारत के सबसे अमीर खिलाड़ी। भारत की वनडे टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फोर्ब्स मैगजीन की दुनिया के सबसे अमीर 100 खिलाड़ियों की सूची में शामिल अकेले भारतीय हैं, जबकि अमेरिकी मुक्केबाज फ्लॉयड मेवेदर शीर्ष पर हैं। इस सूची में गोल्फर टाइगर वुड्स, टेनिस स्टार रोजर फेडरर और फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम भी हैं। सूची में धोनी 23वें स्थान पर हैं। इस साल धोनी की कुल कमाई 3,10,00,000 रही। इनमें $40,00,000 खेलने के एवज में मिले पुरस्कार और पारिश्रमिक है, जबकि $2,70,00,000 विज्ञापनों से होने वाली कमाई है। आप नेता जितेंद्र तोमर को नहीं मिली जमानत। आप नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को झटका देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। अदालत ने कथित फर्जी डिग्री मामले में आप नेता को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करने से मामला और जटिल हो जाएगा। उनकी नियमित जमानत की याचिका पर अब 16 जून को सुनवाई होगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।